We're going to fly. हाय दोस्तों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल। आज मैं आप लोगों को इंसुलेटर और टाइप्स ऑफ इंसुलेटर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये आपको बहुत सारे इंसुलेटर दिख रहे होंगे, सभी का मैं नाम बताऊंगा कि किन्हें क्या बोलते हैं और उसके एप्लीकेशंस क्या है, कहां पे उसका यूज़ करते हैं, कहां पे उसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, सभी को हम बारी बारी से पहचानेंगे। बहुत ही ईजी टॉपिक्स है ये, आप इजीली समझ सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले सबसे पहले मैं इंसुलेटर क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, तो चलिए, इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, उसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। कोई से भी, जैसे कि आपका रबर, ग्लास, वुड, एयर, ये सब क्या हो गया दोस्तों, एग्जांपल्स हो गए इंसुलेटर के। अब ये इंसुलेटर में करंट नहीं फ्लो होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस मटेरियल में जो है दोस्तों, आपके बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होते हैं, इसकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो पाता। क्योंकि रेजिस्टेंस का काम ही है दोस्तों कि करंट को फ्लो होने ना दे, मतलब उसके स्पीड को कम कर दे। तो इतने ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं दोस्तों कि उसमें करंट ही फ्लो नहीं हो पाते, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इंसुलेटर बोलते हैं। अब ये देखेंगे, जो हम लोग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो भी इंसुलेटर यूज़ करते हैं दोस्तों, वो सिर्फ तीन चीज़ के बने होते हैं, एक ग्लास के, एक पोर्सलिन के, एक पॉलीमर के। देख सकते हैं, एक ग्लास का मैंने यहाँ फिगर दे दिया दोस्तों, आप देख सकते हो ये डिस्क इंसुलेटर है, बट ये ग्लास के बने हैं। यहाँ पर आपके पोर्सलिन, ये देखिए दोस्तों, ये पोर्सलिन का एक एग्जांपल मैंने लिया है, ये आप देख सकते हैं कत्था कलर का, ये आपका पोर्सलिन का बना है। अब यहाँ पर एक पॉलीमर ये देख रहा हूँ, ये बहुत ही हल्का होता है, लाइट वेट होता है इसका दोस्तों। तो बेसिकली तीन मटेरियल से बने होते हैं, ग्लास, पोर्सलिन और पॉलीमर। ये तीन चीज़ बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन लाइन में दोस्तों, यूज़ करते हैं। अब चलिए, अब हम एक एक करके टाइप्स ऑफ इंसुलेटर पढ़ेंगे। सबसे पहला इंसुलेटर दोस्तों, पिन इंसुलेटर जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा है, ये पिन इंसुलेटर का डायग्राम है दोस्तों, फोटो है। इसमें आप देख सकते हैं, एक पिन इंसुलेटर में ऊपर में ग्रोव्स दिया है, यहाँ पर ही क्या होता है, आपके कंडक्टर, जो भी कंडक्टर हम लोग स्ट्रिंग करेंगे, खींचेंगे, वो इसी के ऊपर से करेंगे। ये ग्रोव्स दिख रहा है, यहीं पर ही आपका कोई भी कंडक्टर को यहीं से ले जाएंगे दोस्तों, ये ग्रोव से। तो ये क्या है कि पिन इंसुलेटर हम लोग कौन सा केबी में यूज़ करते हैं, इसे हम 230 में, 440 में, 11 केबी और मैक्सिमम 33 तक हम लोग जो है पिन इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। अब ये क्या है दोस्तों, जब भी हम लोग यहाँ पर कोई भी कंडक्टर, सपोज़ मैं कोई कंडक्टर यहाँ से पास करा रहा हूँ, तो ये इसके जो ग्रोव्स हैं यहीं पर से पास कराऊंगा, उसके बाद मैं इस पर वाइंडिंग करूँगा। क्यों करूँगा वाइंडिंग? इसलिए करूँगा कि ये इस ग्रोव से वो कंडक्टर निकले ना, इसलिए उसको यहाँ पर से पास कराते हैं, उसके बाद यहाँ पर उसी तार से जो कंडक्टर हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं, उसी कंडक्टर का टुकड़ा से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से वाइंडिंग कर देते हैं, ताकि वो फिक्स हो जाते हैं उस पोल पर दोस्तों। अब आइए, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी आपका देखिए पिन इंसुलेटर है, ये 11000 की लाइन है दोस्तों, ये तीन फेस है RYB, ये आपका तीन फेस जा रहा है, यहाँ पर आपका पिन इंसुलेटर लगा है दोस्तों, तीन पिन इंसुलेटर। देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बैंडिंग किया हुआ है, ये देखिए आप, ये बैंडिंग किया हुआ है यहाँ पर, इसको उसी तार से बैंडिंग कर देते हैं ताकि वो फिक्स रहे दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों पिन इंसुलेटर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम दूसरे टाइप में इंसुलेटर पर चलते हैं, साइकिल इंसुलेटर। जी हाँ दोस्तों, साइकिल इंसुलेटर आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये भी, ये हम लोग हमेशा जो है LT लाइन में यूज़ करते हैं, ST लाइन में नहीं यूज़ करते हैं इसे। जहाँ भी जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो भी हम लोग कंडक्टर घिसते हैं, तो वो हम लोग यूज़ करते हैं साइकिल इंसुलेटर का, वहाँ पर हम लोग पिन इंसुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बताया था कि 440 और 230 में भी आप पिन इंसुलेटर यूज़ कर सकते हैं, मगर साइकिल इंसुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि कैसे यूज़ कर सकते हैं साइकिल इंसुलेटर को। तो पहली चीज़ है कि इसे हम लो वोल्टेज लाइन में यूज़ करेंगे, जहाँ पर 230 और 440 जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट जा रहा है, वहाँ पर इसका यूज़ करेंगे, 11 केवी में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, इसको हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है एक पोल है आपका, यहाँ पर मान लीजिए आपका ये साइकिल इंसुलेटर यहाँ पर लगाया है आपका, 1, 2, 3, 4, ये तीन फेस के हो गए, एक न्यूट्रल के हो गए। तो ये अब ऐसा ही आपका डायरेक्ट 3-4 पोल लगे हैं आपके, और इसी तरीके से ये फिट है यहाँ पर अगर साइकिल इंसुलेटर, तो इसे बोलेंगे वर्टिकल लाइन जा रही है। अगर इसी प्रकार आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए, ये आपका पोल है, उसके ऊपर एक चैनल लगा है, और उस चैनल में 4 साइकिल इंसुलेटर फिट है, उसके बाद वहाँ से जा रहा है लाइन आपका, तो वो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको हम लोग दोनों में यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकल में भी और हॉरिजॉन्टल में। बट अगर बात किया जाए दोस्तों पिन इंसुलेटर पे, यहाँ पर ये पिन इंसुलेटर था, यहाँ पर ये देखिए आपका ये कौन सा हो गया, जी हाँ दोस्तों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये इसे बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब बात करेंगे वर्टिकली का, तो ये चीज़, ये पिन इंसुलेटर जो आपका दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर लगेगा, तो इसे बोलेंगे कि आपका वर्टिकल लाइन है। तो पिन इंसुलेटर का हमेशा इस्तेमाल हम लोग जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल में करते हैं, हम लोग वर्टिकल में नहीं करते। बट साइकिल इंसुलेटर के साथ क्या है दोस्तों, हम लोग यूज़ कर सकते हैं वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल एक बार दिखा दूँ,
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सेकल इंसुलेटर है, ये आपका यहाँ पर कौन सा हो गया, यूज़ कर लिया हम लोग ये लोग, ये आपको वर्टिकल में यूज़ किए हैं, वही मुझे अगर हॉरिजॉन्टल में करना होता है यहाँ पर चैनल ले आके ऊपर से लेके चले जाते हैं तो वो आपका हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो ये आपका देख सकते हैं सेकल इंसुलेटर लगा है जो कि आपकी पोर्सलिन की बनी है, बट पोर्सलिन का मैंने दिखाया था फोटो में आपको, तो मैं बताया था वो ब्राउन कलर का होता है, मगर ये वाइट कलर का भी बनता है और मिलता भी है। तो ये आपका वाइट कलर का भी है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकल इंसुलेटर ही है वो। और ये डायरेक्टली देखिए आप पोल पे, ये देखिए ऐसा एक फिट करते हैं इसको सेकल इंसुलेटर में, और यहाँ पर एक रॉड आती है आउटपुट में, यहाँ पर निकलती है, उसके वहाँ नट से कस देते हैं, ये फिट कर देते हैं डायरेक्टली पोल पे, ये फिक्स रहता है दोस्तों। चलिए अब एक और मैं बता दूँ डिस्क इंसुलेटर के बारे में। डिस्क इंसुलेटर, ये आपका जो फिगर है, ये आपका जो डायग्राम है पिक्चर से, ये आपका डिस्क इंसुलेटर का है दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं ये भी डिस्क इंसुलेटर है, बट ये क्या है, पोर्सलिन की बनी है और ये आपका जो है पॉलीमर की बनी है दोस्तों। अब एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर कभी भी आप एक डिस्क इंसुलेटर जो है यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन भी किया है, एक डिस्क इंसुलेटर जो होता है दोस्तों वो 11 kV का होता है, अगर कहीं पर सीरीज़ में 3 डिस्क इंसुलेटर लगा, इट मीन्स वो 33 kV की लाइन जा रही है दोस्तों, ये चीज़ है। तो वही है डिस्क इंसुलेटर जो होता है कहीं भी लाइन में अगर ज़्यादा लगा है, उस डिपेंड करता है उसके वोल्टेज पे कि कितने केवी का वोल्टेज जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं डिस्क इंसुलेटर का, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिगर में दोस्तों, 3 डिस्क इंसुलेटर लगे हैं, 3 11 kV ये लाइन है। अब कैसे मैंने पकड़ा कि ये 11 kV है या 230 या 440, सिंपली आप पहचान सकते हैं दोस्तों। ये देखिए आप यहाँ पर इस वायर में, इस कंडक्टर में आपका एक पिन इंसुलेटर लगा है, इसमें भी आपका एक पिन इंसुलेटर लगा है, इसमें भी एक पिन इंसुलेटर लगा है। मैंने क्या बताया था दोस्तों कि आपका एक डिस्क इंसुलेटर जो होता है वो 11 kV का ही होता है, इट मीन्स ये 11 kV का लाइन जा रही है दोस्तों, ये 11 kV की जा रही है, मतलब ये 3 फेस हो गए 11 kV के RYB, और यहाँ पर एक डिस्क इंसुलेटर है, तो ये आपका कौन सा हो गया, 11 kV लाइन। अगर वही चीज़ यहाँ पर आपका एक पिन एक डिस्क इंसुलेटर यहाँ पर लगाया, फिर इसके आगे एक और, फिर उसके एक आगे एक और, मतलब अगर 3 डिस्क इंसुलेटर साथ में लगाए, तो यहाँ पर भी 3 डिस्क इंसुलेटर साथ में लगा, यहाँ पर भी 3 डिस्क इंसुलेटर साथ में लगाए, इट मीन्स ये हुआ दोस्तों कि 33 kV की लाइन जा रही है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको डिस्क इंसुलेटर भी अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए हम एक और टाइप के बारे में जानते हैं, सस्पेंशन इंसुलेटर। या दोस्तों सस्पेंशन इंसुलेटर ये हमेशा जो है हाई वोल्टेज में यूज़ करते हैं, मतलब जब 33 तक तो मैंने डिस्क इंसुलेटर यूज़ कर सकते हैं, बट जैसे ही आप 66 पे जाओगे, 132 पे जाओगे, तो ये सब में आपको डिस्क इंसुलेटर तो 3 में यूज़ करते हैं, 1 में करते हैं, तो यहाँ पर भी यूज़ करते हैं, मगर कैसे यूज़ करते हैं दोस्तों, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये आपका एक सीरीज़ में लगा हुआ ढेर सारे डिस्क इंसुलेटर दिख रहा होगा। तो वही में एक चीज़ ये भी है दोस्तों कि कितने डिस्क किसी में लगे हैं वो डिपेंड करता है उसके वोल्टेज पे, जितने ज़्यादा वोल्टेज होंगे उतने नंबर ऑफ इंसुलेटर्स डिस्क इंसुलेटर लगे होंगे दोस्तों। तो ये आपका सस्पेंशन इंसुलेटर है, जैसे कि बड़े बड़े टावर्स होते हैं, वो टावर्स जो होते हैं हाई वोल्टेज होते हैं 33 kV से ऊपर का होते हैं, जैसे 66 132, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर सस्पेंशन इंसुलेटर यूज़ करते हैं टावर्स वगैरह में। आप जब भी जाओगे कभी भी आप बाहर में आपके आसपास माहौल में ही दिखेगा ही दोस्तों टावर्स, वहाँ पर आपको कौन सा इंसुलेटर यूज़ होता है, सस्पेंशन इंसुलेटर यूज़ होता है दोस्तों। और ये आपका जो है हमेशा हम लोग, अगर ये देखिए आपको ये अगर सपोज़ इसको मैंने फिट कर दिया इस टावर में, तो आपका जो कंडक्टर कहाँ से पास होगा, ये इसके बॉटम से, यहाँ पर ये हैंग कर दिए इस टावर में, यहाँ पर इसको नट से फिक्स कर दिए, हैंग कर दिए, उसके बाद कंडक्टर जो आपका पास होगा इसके जो बॉटम से होगा, वहाँ से हम लोग यहाँ से कंडक्टर को पास करेंगे दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको चारों टाइप का इंसुलेटर समझ में आ गया होगा। मैंने बताया आज पिन इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़